इसीलिए खेलता है नमस्कार वो दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक जिम बार खेलता है मेरे क्योंकि वो चैनल दोस्त है है माई मेरे। गेमिंग में। यार जो भी कोई इस आवाज़ को नया सुन रहा हो फटाफट से एक बार लाइक और हाँ मैं सब्सक्राइब कर बताऊंगा कि दो, मेरा नीचे मतलब का लाइक दोस्त थोड़ी देर बाद कर देना अगर आपको इंटरटेनमेंट लगे और मेरा सब्सक्राइब भी कर देना लाइक अगर आपको इंटरटेनमेंट लाइक लगे बनता वीडियो। है। तो यार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से आ गए हैं डेढ़ पेड़ वीडियो के साथ, और हम हमेशा की तरह अपना मतलब गांव बस्ती पोचिंग की में उतरे, लेकिन इस बार हम अपने 100 गज के प्लॉट में नहीं यहाँ पे उतरे। कोई मिशन आ रखा उसका है रीज़न ये है कि बिट भैया हमारे मतलब कतई मरवा दिया सस्ता भाई नशा कल से, करके आ रखे हैं कंट्रोल कर आज, लो उसे, और यहाँ पे वो ऑफलाइन हो कंट्रोल कर जाते हैं लो। तुरंत। तो हम सोचते हैं कि बहुत भाई अलग वहाँ है पे कतई तीन कल से स्क्वाड इंसान उतरी है हैं तो भून देंगे कल भाई से सब भाई बीच में। तुम्हारे वो कौन, तो यार हम फटाफट से यहाँ कल से पे भाई दूसरी कौन वाली तुम्हारे बिल्डिंग में इसमें उतर जाते हैं, और पता एक नहीं बिट भैया कैसे बच जाते हैं यार लास्ट तक। हम तो सोच रहे हैं कि कहते वो हैं भाई। मरते क्यों नहीं वहाँ पे, मतलब पबजी वालों के साथ क्या सौदा वौदा कर रखा है क्या, ऑफलाइन होने के बाद भी बच गया। और यार दोस्तों, इस वीडियो में बता दूं यार, मुझे है 2 असॉल्टर की ज़रूरत मेरे क्लैन में। तो यार अगर कोई भी कर बंदा लिए जो पहले कि यार मैंने समझता है कि वो असॉल्टर है तो प्लीज़ वो आ जाए, ठीक है यार ठीक है, आ जाए हमारे क्लैन में। बस रिक्वायरमेंट इतनी है कि मेरे को चाहिए 2 की केडी, और जो सपोर्ट आपके जो लेफ्ट में स्टैटिक्स में दिखता है मुझे वो चाहिए 75 से 80 के बीच में, ठीक है। ठीक है क्योंकि अगर समझ आप गया सर। टीम के साथ खेलने तो इतना सपोर्ट तो यार अरे बनता बिट ही है, क्या बात सीधी सी खेल बात के है। तुम्हारा साले तो तू, जो भी कोई इंटरेस्टेड है तुमने प्लीज़ तो मुझे बता दो DM कहाँ पे करो, अभी तो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे कर दो, अबे तू कहाँ उतरा या भाई, डायरेक्ट अरे कमेंट पागल करके उतर बता गया, सकते हो, ठीक है। अपनी मैं ID डंडा सेंड डंडा करो, भाग जा रहा हूँ बिट जो है हमारे बेचारा उसका बच्चा यार असॉल्टर मर गया है, तो। तो मर अगर गया भाई बिट तो, के साथ मैं आपको हाँ सही खिलाऊंगा बात एक है, बार, अगर बिट को आपका गेम अच्छा लगता है तो भाई मैं मैं बोल रहा ज़रूर हूँ भाई आपको तो भाई मतलब दो क्लैन नंबर में का लड़ा लूँगा मैं, या मैं खेल के मैं देखूँगा। ऐसा करा तो यार यहाँ हाँ पे हाँ क्या भाई होता है अब कि थर्ड नंबर हम आ रहे हैं ये जो भाई, ब्लू सरप्राइज कर वाले रहे हैं हाउस में आगे एक और बंदा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई उस पर डायरेक्ट पुश ना नहीं यार करके, कौन सा क्योंकि बंदा। पता नहीं होता कि यार इसी के घर के पीछे क्या पता इसका दूसरा बंदा हो और ये बुला ले कि भाई तू भी आ जा पुश कर दे नीचे से, तो भाई साहब लंका लग जाएगी कतई। मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, एक बंदा ऊपर है एक बंदा नीचे है, कतई भुजिया बन जाएगी हमारी। तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना TPP ले ली जाए, क्योंकि TPP का ही तो गेम है टीपी भाई, बंदे मर ठीक गए है। तो यहाँ पे वो भी TPP ले रहा है, मैं भी TPP ले रहा हूँ, लेकिन इतनी देर में भाई साहब कतई तीसरा नंबर ठिल जाता है, क्योंकि ये बंदा वहाँ पे फटाफट से फ्लैंक कर जाता है पीछे से और तीसरा नंबर को खिला देता है। अब यहाँ पे यार जो हुआ ना कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सीन हुआ। देखो यहाँ पे वॉरियर मर गया मतलब, और मेरे को आ रही थी राइट से साउंड की कोई छत पे है, तो मैं थोड़ा सा TPP लेने गया, लेकिन इतने में भाई साहब फोर्थ नंबर अंदर घुसा, ठीक है। फोर्थ नंबर के साथ जो हुआ भाई साहब कुछ नहीं हुआ फिलहाल। तो अब देखो जो मेरे साथ हुआ, मैं यहाँ पे गया इसको भी मैंने मारा, लेकिन अब कतई जहर चीज़ होगी। देखो मतलब मैंने पूरा स्क्वाड मारा और एक बंदे ने ओ दो लोल चार गोली मार के मुझे जल्दी यहाँ पे खिला यहाँ पे यहाँ दिया, पे, वहाँ और मत जा अब वहाँ अगर मत जा, फोर्थ नंबर अबे राइट में बैठता इधर तो इधर भाई मेरा यही आगे मरता। बैठ, तो मेरा मैंने आगे बैठ सोचा दस कि बार, भाई ठीक है ठीक है फोर्थ ठीक है, नंबर तू हमारे अरे दो पिछवाड़े के ही दस पीछे बार मार बेशक गए थे शेर, भाई, थोड़ी देर लेकिन मारता हूँ, तू विश इज बचा बाय ले 40, हमको हाँ एक फोर्टी बार। रुपीज ये भाई तो ना यार मेरे यहाँ पे मतलब हम बच गए, और डायरेक्ट मतलब बाप। बिट उस बंदे को मार देता है जिस बंदे ने हम पे फायरिंग करी थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लूटते वूटते हैं, और उसके बाद लूट करने के बाद यार राइट में जो हाउस के पास है वहाँ पे एक और बंदा अच्छा होता है, मोबाइल को तो यार बहुत मेरे सारे को तो बंदे हैं आवाज़ आ भाई, जाती है, पता नहीं फोर्थ नंबर वहाँ पे क्या कर रहा होता है कि उसको उठा आवाज़ कुछ ही नहीं आती, क्योंकि वो फिर दोबारा से उठा ले कुछ तेरे उस लिए, बंदे से ठिल जाता है। बस तू 2 मिनट तो रुक मुझे जा समझ में नहीं आ मैं रहा यार चला इतनी जाता हूँ, घटिया हेडफोन लेके क्यों आते हो भाई बंदे। तो अब अरे देखना यहाँ साले पे तेरे यार को ये मार सामने रहा है वाले घर बस पे, ये देखो मार रहा फोर्थ है, नंबर अभी भी लूट रहा है, मैंने जब कहा तब जाके ये लेटा है, ठीक है। अब ये सामने वाले घर पे यहाँ पे बंदा है, तो मुझे तो मैं वो देख दिख रहा हूँ गया, मैं देख आपको भी रहा दिख हूँ, गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। अबे मैं M4 का कितना 3X का नशा स्प्रे यार इतना मार मस्त रहा चलाता हूँ, लेकिन यार वो बंदा बच जाता है मुझे नहीं पता है। चलो कैसे। बे और अब बिट भाई साहब किल चोरी कर लेता है यहाँ पे, देख रहे हो, मतलब अब देखो बिट ने यहाँ पे किल चोरी कर लेता है, यहाँ पे कतई नॉकआउट कर दिया इस हराम खोर ने उसे। तो यार यहाँ पे फोर्थ नंबर वापस से बेटा ठिल चुका है, और यहाँ पे एक बंदा और भाग रहा है जिसकी कि मुझे आवाज़ आ चुकी है, तो मैं सोचता हूँ पहले इसको बचाने आएगा क्या पता, लेकिन नहीं वो अरे इसको तो बचाने कर नहीं दे आ रहा था, तो मैंने इसको पूरा किल कर दिया। क्योंकि आज के ज़माने में भाई साहब अगर आप अपना किल छोड़ोगे मतलब यार अपनी टीम का किल छोड़ोगे ना भाई, तो भाई साहब ऐसा बहुत बात बड़ी हुई क्या, दिक्कत क्यों वाली भाग रहा बात था है, भैया, पता है कोई मतलब किल अरे तू चुराने भाग में रहा था, ज़्यादा टाइम गेमिंग लगाता नहीं नेक्स्ट है, मैं आऊं खुद भाई साहब किल चुरा लेता हूँ चाहे पिस्टल हाँ से एक मारूँ। जरिया आ रहा है तो यार क्या, यहाँ पे कोई फोर्थ दिक्कत नहीं नंबर है। को रिवाइव देते हैं पहले हम, देखो तो जब तक इसको बोलो वहाँ पे मतलब हमने जब 2 स्क्वाड तुम्हारे अब पास ख़त्म कर स्पेस चुके हैं होगा भाई तब तक पूरे, लेके और आऊंगा, अभी तक अगर नहीं क्लच में यार मजा आया थोड़ा हो सा टाइम तो लगेगा, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर देना यार फटाफट से, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ बताना कि ओ असली बंदा क्या असली आप असली, हैकिंग की लाइव स्ट्रीम देखना चाहेंगे, अगर हाँ तो भाई कमेंट में आप बताना मेरे को कि आप देखना चाहते हो हैकिंग की। मैं
मतलब एक बंदे को मैंने देखा था तो वो हैकिंग की लाइव स्ट्रीम चला रहा था, तो उसके बंदों को अच्छा लगा था, तो मैं उससे भी बात करी है, तो देखते क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यार एक और बंदा, एक और मतलब स्क्वाड, तीन स्क्वाड थी टोटल, दो हमने मार दी है, एक स्क्वाड और बची है। तो यार यहाँ पे मैंने सोचता हूँ कि वो बंदा कहीं और है, लेकिन वो वहीं पर बैठा होता है। यहाँ पे बिट ने बचा लिया, जो कि मतलब कतई सपोर्ट प्लस असॉल्ट खेलता है हमारी टीम का, और स्नाइपरिस्ट भी यही है कतई, मतलब 30 की हेडशॉट एक्यूरेसी है। और अगर कोई स्नाइपरिस्ट है जिसकी 30 की एक्यूरेसी भाई, ठीक है, 27 या 26 की एक्यूरेसी वाला स्नाइपरिस्ट नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उतनी तो मेरी है। ठीक है, और यहाँ पे यार मैं कुछ ज़्यादा तगड़ा ड्राइवर हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को ड्राइविंग करनी नहीं आती, मेरे को जहाँ बंदे दिखते हैं मैं ले दे ठोक देता हूँ। तो यहाँ पे यार मैं स्प्रे दे रहा होता हूँ, ठीक है, ये बंदा शायद खिल भी जाता, लेकिन ये सांप के राजा ने, नागराज ने ना भाई साहब डस दिया हमको। तो मैंने इनसे कहा कि भाई एक बंदा उसको मार दो फटाफट से, और एक रिवाइव दो मेरे को। तो यार यहाँ पे फोर्थ नंबर ने उसको मार दिया था, और फोर्थ नंबर अब रिवाइव दे रहा था, दोनों का मतलब फोर्थ नंबर कर रहा था। बिट तो कहता है राजा बन के बैठ रहा है साला। और यार इसके बाद पता है बिट मतलब अकेला स्क्वाड खा जाता पूरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिट मतलब कतई जहर खेलने जा रहा है भाई अब। और फोर्थ नंबर यहाँ पर राइड पूरा फ्लैंक कर जाता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि तेरे पीछे ना सपोर्ट है, उसके पीछे ना कुछ है, और फालतू में मतलब इतना तगड़ा भाई साहब, इतने तगड़े असोल्टर भी नहीं चाहिए भाई मुझे, कि जो अकेले अकेले पुश करने भाग जाए। ठीक है, अब देखो बिट भी अकेले पुश करने गया, लेकिन मुझे कतई यकीन था कि वो मार देगा भाई स्क्वाड को, और वो पूरा स्क्वाड खा भी गया भाई। हम यहाँ रिवाइव ही देते रह गए और वो खा गया पूरा स्क्वाड। तो यहाँ पे यार यहाँ पे भी हमने पूरा स्क्वाड एक मार के भाई साहब मतलब कतई ओपी बना दिया है। अब यहाँ पे भी हमको यार थोड़ी बहुत लूट तो चाहिए ना, समझ रहे हो, मतलब गोलियाँ वोलियाँ कभी तो ख़त्म होती है ना, हमें भी तो 4x 4x कुछ चाहिए। तो यार यहाँ पे लूट करने के बाद समझ रहे हो, अब हमारे को चाहिए मतलब कतई लेवल 3 हेलमेट वेस्ट, तो हम चले गए ड्रॉप के पास, और बिट को चाहिए थी ओम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कहा इनसे कि भाई मैं पहले नहीं लूटूंगा, तुम लोग पहले लूटो, मैं तुमको कवर देता हूँ, मैं देखता हूँ कहीं आसपास बंदे फायरिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो इनके लूटने के बाद यार मैंने अपनी लूट पूरी करी, और मैंने इनसे कहा कि फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद भाई साहब मतलब क्या जहर मतलब घुस घुस के मारे हैं ना हमने 18 में से, आप लास्ट में बताना हमने कितने बंदे टोटल मारे। ठीक है, तो यहाँ पे यार एक और ड्रॉप गिर रहा था, तो मेरे पास अभी लेवल 3 का जो हेलमेट और वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट नहीं, वेस्ट 3 जो वो थी डैमेज, तो मुझे तो भाई साहब कतई मतलब बिना डैमेज वाली चाहिए थी। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैं लूँगा इस बार, लेकिन भाई यहाँ पे सडनली क्या हो जाता है कि एक और गाड़ी आती है, तो मैं बिट से कहता हूँ कि तू ओम देख, मैं बंदा देखता हूँ। तो यार यहाँ पे हम लोग ले रहे होते हैं TPP, तो यार गाड़ी वाला पता नहीं क्या करता है, गाड़ी वाला या घर से कचरा ने ये गाना गाने गए। तो यहाँ पे फिर यार क्या कहते हैं बिट कतई मतलब कहता है मैं तो करूँगा भाई रश। ठीक है, मैं सोचता पूरा TPP लेके खेलते हैं, क्या पता स्क्वाड हो, लेकिन बिट को पता नहीं कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था या कुछ था, उसने भाई साहब अकेले घुस के उस अकेले बंदे को ठिला दिया भाई। अब यार यहाँ पे हम सारा कुछ और लूटते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो यार उस बंदे को मारने के बाद हमारे आगे होती है एक गाड़ी, ठीक है, तो हम उस मैं उस गाड़ी पे भाई साहब कतई मतलब 3x लगा के स्प्रे देने लगता हूँ। ठीक है, मतलब कतई जहर एक नंबर, और इनका पीछा हम छोड़ते नहीं भाई, ये भाग रहे हैं हम इनको भगा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही टू मच फन। ठीक है, अब ये यहाँ पे रुकते हैं, और मेरा खाली है भाई डैमेज ही डैमेज है, किल यहाँ पे फिर दोबारा से बिट को मिलता है, समझ रहे हो, ये देखो हमारा खाली डैमेज डैमेज है, मैंने दोनों को डैमेज दिया, लेकिन किल दोबारा बिट को ही मिलता है। तो यार यहाँ पे बिट ने एक नॉक कर दिया, और बिट से मैं कहता हूँ कि भाई उसको फिनिश कर दिया अगर तूने नॉक कर ही दिया है तो। और दो बंदे होते हैं ऊपर, मुझे नहीं पता दो होते हैं ये तो अब मेरे को पता ही है, जैसे कि तो कुछ बंदे ऊपर होते हैं, 2-3 बंदे जो हैं ऊपर होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई पहले अपनी बंदूक बंदूक रिलोड कर लो, और जो सिरिंज विरिंज वो सब कुछ लगा लो, ड्रिंक विरिंक लगा लो, क्या पता कल हम हैं या नहीं है 1 सेकंड बाद इस गेम में, तो भाई साहब सब कुछ यूज़ करके चलो। ठीक है, तो यार बिट यहाँ पे फटाफट से कवर के लिए फटाफट आता है, और हम सीधे के सीधे मतलब कतई ही पुश कर देते हैं। एक बंदा नीचे कूदता है, उसको बिट मार देता है, तो उसके बाद भाई साहब मैं तो कर देता हूँ ऊपर को पुश, मैं सोचता हूँ कि भाई देखी जाएगी अब तो। तो यार मैं यहाँ पे ऊपर को जा ही रहा होता हूँ, तो बहुत आराम से मैं ऊपर जा रहा होता हूँ, लेकिन इतने में भाई वो गैलरी में बैठा होता, बे मैं सोचता पिछवाड़े पर गोली किसने मारी। तो यहाँ पे यार मशीन गन के आगे अगर ऐसे भाई साहब कतई मतलब जिगजैग अपना दिमाग लगाओगे ना, तो भाई ऐसे ही ठीक होगे, क्योंकि मशीन गन की गोलियाँ भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि रिलोड में आएगी, तो इससे बढ़िया है
कि भाई साहब एक जगह छुप के मारो, वो अच्छा खासा छुपा हुआ था लेकिन वो डर गया, हिल गया वो। तो यार यहाँ पे फिर दोबारा एनिमी हेड लगाया है बिट ने, तो मैं सोचता हूँ कि भाई स्नाइपर तो है नहीं तो इनको चलाने दो। तो उसके बाद भाई पीछे की तरफ अपने स्नाइपर टावर के उधर को स्मोक हो रखा था, तो तुम्हारे भाई ने फिर दोबारा से लगाया 6x और डैमेज देने की पूरी कोशिश करी मैंने, ठीक है। और जिसको भी यार अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और फटाफट से यार वीडियो को शेयर करना मत भूलना यार दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताओ कि यार मेरे चैनल के बारे में, और यार दोस्तों यार सपोर्ट कर दो फटाफट से। 700 के लिए हम रोड कर रहे हैं यार, फटाफट से यार 700 करवा दो। तो यार यहाँ पे यार वो बंदे मतलब कतई मतलब गाड़ी लेके फिर दोबारा ऐसे वहाँ पे रुक गए। तो यार ब्रिट ने कहा कि तू मत खेल, मतलब मत खेल ऐसा, मतलब कि तू मत लॉन्ग रेंज खेल, क्योंकि भाई मेरे पे दोनों ही शॉर्ट रेंज गन है तो फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पे अब जोन में वो नहीं थे तो उन लोगों को आना था, तो यार मैं मतलब कतई मतलब जहर बना के मतलब TPP लेके कैंपिंग वाला गेम बना रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो बंदे पुश करेंगे तो मैं तो ऊपर रहता हूँ, और एक बंदे को मैंने 4th नंबर पर कह दिया तू मिडल में रहे, ताकि अगर वो सीधे ऊपर पुश करे तो तू उनके पीछे से पुश करियो, तो इससे क्या अगर मैं नॉक भी हो जाऊँगा ना तो भाई एक बंदा रह जाएगा। लेकिन 4th नंबर भाई साहब हमारी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा, तो 4th नंबर यहाँ पे नॉक हो गया। तो मैंने बिट से कहा कि भाई तू उसको रिवाइव दे दे बेशक से, तो बिट ने कहा नहीं भाई एक बंदा आ रहा है मैं फटाफट से उसको मारता हूँ, क्योंकि लास्ट में रिवाइव देने का भी फ़ायदा नहीं होता, क्या पता अगर वो बंदे पुश कर दे तो भाई साहब कतई हमारी तो लग जाती, समझ रहे हो। और इस बंदे को मैं मतलब नॉक करने वाला था, लेकिन 4th नंबर मेरे पास आ रहा था कि ये रिवाइव देगा, लोल हम तो खुद रिवाइव मांगने के ला दिए हो गए। तो मैंने बिट को फटाफट कहा कि भाई बाकी की तो देखी जाएगी, मुझे तो रिवाइव चाहिए भाई, चाहे आखिरी जोन में रिवाइव किसी को देते हो या ना देते हो, मुझे तो रिवाइव चाहिए। तो भाई बिट ने फटाफट से यार रिवाइव दिया, क्योंकि अब वो बंदे भी पुश करेंगे, हमारे एक बंदा ख़त्म हो गया, हम दो ही बचे हैं, मेरे पे पावर नहीं थी, तो यार वो उन बंदों का पुश करना तो भाई था ही था। और यार यहाँ पे ये बंदा पता नहीं क्या करता है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये मतलब मुझे नॉक तो कर देते हैं लेकिन भाई साहब मुझे पूरा फिनिश करने के चक्कर में रहते हैं, इस वजह से इनके हाथ से पूरा का पूरा गेम चला जाता है भाई, यहाँ पे पूरा ये गेम हार जाते हैं एकदम से। अब देखो इस बंदे को मैंने नॉक किया, इसका एक और बंदा आया उसने मुझे नॉक किया, लेकिन भाई साहब वो बंदे मुझे मतलब दोनों के दोनों मुझे फिनिश करने के चक्कर में लगे भाई, ये नहीं कि भाई साहब मुझे मार रहा नूबड़ा, भाई साहब मतलब कहते दूसरा बंदा ढूंढ के उसको मार ले, नहीं वो हमको फिनिश करेंगे। तो यार यहाँ पे बिट के हैं 14 किल 1 नंबर, ठीक है, तुम्हारे भाई के हैं मतलब 7 किल, तो हमारे मतलब पूरी टीम के 25 किल थे। तो यार और जिस किसी को भी गेम प्ले अच्छा लगा हो फटाफट से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और क्लैन में जो भी आना चाहता हो कमेंट करो, DM करो मुझे, ठीक है। और बात करने के लिए भाई साहब मजा आ गया, अरे मतलब लाइव स्ट्रीम में आओ, चैटिंग वैटिंग करो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।